नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा फिर से आप लोग के बीच में एक बार। जैसा कि मैं आप लोग को पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि जो मेमने हैं उनका जो शुरुआत से जो वीडियो है आपके बीच में मैं लाऊंगा, क्योंकि बकरी पालन में दोस्त किसान आते तो हैं, बकरी पालन में खर्च भी करते हैं, एक सपना लेकर आते हैं और बकरी पालन शुरुआत तो कर देते हैं लेकिन मेमने नहीं बचा पाते हैं। और मेरे पास चूँकि मैं इस लाइन में हूँ, पढ़ाता भी हूँ लोगों को, तो बहुत जगह से मेरे पास फ़ोन आता है, कॉल आता है कि सर बकरी मेरे बच्चा दी लेकिन बच्चा को मैं बचा नहीं पा रहा हूँ। तो जो ट्रेंड है, जो जानकार हैं, वो तो बच्चे को बचा पा रहे हैं लेकिन जो सिर्फ नाम के ट्रेंड हैं वो बच्चे को बचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि स्टॉल फीड पे जब बकरियाँ रहती है, घनत्व में रहती है, तो कम जगह में ज़्यादा जानवर रखने के कारण बैक्टीरियल बीमारी आम बात है, जिसे जगह इन्फेक्टेड होता है और बच्चे जल्दी इन्फेक्टेड हो जाते हैं और मर जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा एक टेटनस भी बहुत बड़ा कारण है बच्चों का मरने का, तो उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। आज जो बच्चे के बचाने का जो सीरीज चल रहा है, जो शुरू से मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, जो पिछला दो वीडियो जो नहीं देखे होंगे वो जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। जो बच्चे जन्म लिए हैं, 8 दिन के बच्चे हैं उस समय का भी वीडियो मेरे पास है, जो बच्चे 10-15 दिन के हो गए उस समय का भी वीडियो मेरे पास है। और आज चूँकि मैं यदि मैं बोल रहा हूं कि मेमने नहीं बचा पा रहे हैं, तो नहीं बचाने के पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। जो बकरियां चराए पे रहती है तो क्या किसान लोग क्या करते हैं, जब बच्चे छोटे वहीं बच्चे रहते हैं तो माँ के साथ चराए पे छोड़ देते हैं, तो माँ के साथ वो घूम घूम के चरता है, तो बहुत सारे जंगली घास है, जैसे जंगली बथुआ है या बहुत ऐसे चीज़ है जो खा लेता है, जिससे उसका डिवॉर्मिंग हो जाता है, यानी पेटे कीड़े मर जाता है एक हद तक, तो बच्चा सर्वाइव कर जाता है। लेकिन जब स्टॉल फीड पर आप रखते हैं तो जो छोटे बच्चे हैं या बड़ी बकरियों को भी आप समय समय पर डिवॉर्मिंग जरूर करें, क्योंकि आप खाना में एक बंधा हुआ खाना देते हैं, उसे अनाज का मात्रा देते हैं या रूटीन के अनुसार उसको खाना आप दे रहे हैं, कुछ प्राकृतिक चीज़ें इसे डायरेक्टली नहीं मिल रहा है जो ये चाह रही है, क्योंकि ये कोई ऐसा जीव नहीं है जो आपको खुल के बोलेगी कि मुझे ये खाना है ताकि मैं अपने पेट के कीड़े को मार लूँ, ऐसा तो ये बोल नहीं पाएगी, आपको ही समझना होगा। तो बकरियों को भी समय समय से डिवॉर्मिंग करें, लेकिन जब आपके मेमने 15 दिन के हो जाएँ, जब मेमने 15 दिन के हो जाएं, चूँकि मैं पीछे वीडियो दिखाया था आपको, और अब जो मेमने हैं वो 15 दिन से अब यानी ऊपर हो गए हैं, तो जो 15 दिन से ऊपर हो गए उनको मैं डिवॉर्मिंग कर दिया है, लेकिन कुछ मेमने अभी भी हैं जो 15 दिन के हुए हैं तो मैं उनको डिवॉर्मिंग करने जा रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है, जब जो नवजात मेमने हैं जब वो 15 दिन के हो जाएँ, जब जन्म लिए हुए उन्हें 15 दिन उनका उम्र हो जाए, तो फर्स्ट डिवॉर्मिंग कर देना चाहिए। डिवॉर्मिंग का मतलब है कि पेट के कीड़े मारने का दवा देना। तो छोटे मेमने को अगर समय से आपने डिवॉर्मिंग नहीं किया, तो चूंकि वो माँ का दूध पीता है और ख़ास करके कुछ धूल मिट्टी भी चाटता है, हालांकि मैं तो ऊंचाई पे कुछ रखता हूँ मेमने को बचाने के लिए, धूल मिट्टी चाटने का उनको मौका नहीं देता, आप जितना हो सके आप लोग भी कोशिश करें, और जब मेमने इतने बड़े हो जाते हैं तो मैं नीचे उतारता हूँ, जो आप देख पा रहे होंगे वीडियो में कि ये सब मेमने हैं, जब ये बड़े हो गए हैं 5-6 महीने के मेमने हो जाते हैं तो नीचे रहते हैं, हालांकि 1.5 महीने बाद मेमने को मैं ज़मीन पे ले आता हूं, लेकिन 1.5 महीने से पहले मैं जितना हो सकता है उसको ऊंचाई पे ही रखता हूं ताकि धूल मिट्टी के संपर्क में नहीं आए। तो खैर ये मेरा अपना व्यक्तिगत प्रैक्टिकल अनुभव है, ऐसा मैं किया तो मेरे मेमने बच रहे हैं, अगर आपके पास संभव हो साधन हो तो करें, लेकिन पहला डिवॉर्मिंग आपको 15 दिन में कर देना है, यानी पेट के कीड़े मारने के दवा 15 दिन के उम्र में मेमने को दे देना है। तो डिवॉर्मर में आपको क्या इस्तेमाल करना है, डिवॉर्मिंग करने से क्या होगा कि उसका पेट के कीड़े मर जाएंगे। डिवॉर्मिंग में इस्तेमाल आप कोई भी दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी डिवॉर्मर है जो आपके वेटनरियन आपको सजेस्ट करें वो दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज मैं करने जा रहा हूँ अल्बोमार। देखिए ये अल्बोमार डिवॉर्मर है जो बच्चे पर मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। ये डिवॉर्मिंग करने से ये होगा कि बच्चे के पेट में जो अनवांटेड बॉम्स हैं, कीड़े हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे, तो बच्चा जो भी माँ का दूध पी रहा है उसके शरीर में लगेगा और उसका जल्दी से ग्रोथ होगा। तो देखिए तरीका अपनाएं देने के लिए, क्योंकि अगर आप मेमने को या कोई भी बकरी को डायरेक्ट आप दवा देते हैं या कोई भी ओरल चीज़ देते हैं डायरेक्ट, तो अगर वो गले में श्वसन नली में डायरेक्ट चला जाता है तो ड्रेंचिंग निमोनिया हो जाएगा। ड्रेंचिंग निमोनिया हो जाता है श्वसन नली में दवा जाने के कारण, यानी फेफड़ा में दवा चल जाएगा तो ड्रेंचिंग निमोनिया हो जाएगा, तो बहुत ही घातक बीमारी है, उसमें टेम्परेचर शरीर का नीचे गिर जाता है, नाक से जो उसका जो पानी निकलता है वैसे सफ़ेद सा, उसमें ब्लड का अंश होता है, मुंह खोलकर सांस लेता है और मेमना या बकरी कोई भी मर जाती है या मेमना मर जाता है। तो कहने का मेरा मतलब है कि कभी भी आप गलती से भी मेमने को सीधे दवा न दें या बकरियों को सीधे दवा न दें, सीधे दवा देने से वो सरक सकता है। तो मैं किस तरीक़ा से मेमने को दवा पिलाऊँगा जो कि आप वीडियो में देखेंगे,
तो देखिए मैंने एक ढक्कन लिया है, इसमें मैं दवाई इसको डालूंगा और डालने के बाद इस सिरिंज से दूंगा। कभी भी जो अल्बोमार का जो डोज है, जो अल्बोमार मैंने डिबॉर्मर लिया है, इसका डोज है 1 ml 3 kg बॉडी वेट पे। यानी मेमना अगर 3 kg का है तो आप 1 ml दे सकते हैं, 3 kg पर 1 ml दे देना है। और याद रखें कि एक बार आपने डिबॉर्मिंग किया, जिस डेट में आपने डिबॉर्मिंग किया है उसके बाद 1 महीने पर दोबारा डिबॉर्मिंग कर दें मेमने को। खास करके मेमने को 1 महीने पर दोबारा डिबॉर्म करें और उसके बाद 3 महीने पर करते चले जाएं। यानी फर्स्ट डिबॉर्मिंग 15 दिन पे, उसके बाद 1 महीने पे एक और डिबॉर्मिंग, उसके बाद प्रत्येक 3 महीने पे 3 महीने पे करते चले जाएं। तो सभी बकरियों को इसी तरीका से किया जाता है, प्रत्येक 90 दिन पर डिबॉर्मिंग किया जाता है। लेकिन मेमने को आपको पहला डिबॉर्मिंग 15 दिन, उसके बाद 1 महीना, उसके बाद 3 महीना और 3 महीने के बाद फिर रेगुलर वे में वो आ जाएगा। तो जो अल्बोमार में दवा बता रहा हूँ, इसका मैं एक सुरक्षा भी आपको बता दूँ ताकि आप गलती ना कर पाएँ। बड़ी बकरियों, ब्रीडर सभी को आप कर सकते हैं, मेमने सभी को कर सकते हैं 1 ml 3 kg बॉडी वेट के अनुसार। लेकिन आपको ये याद रखना है कि अल्बोमार कभी भी गर्भवती बकरी को नहीं देना है। यानी जिस बकरी के पेट में बच्चे हैं, जिस बकरी ने गर्भ धारण कर लिया है, उसे अल्बोमार आपको नहीं देने हैं, क्योंकि अल्बोमार गर्भ सेफ नहीं है। तो इन सब टाइप के जो बच्चे हैं जो अभी गर्भ धारण नहीं किए हुए हैं, इनका एज अभी नहीं हुआ है, तो अल्बोमार से किया जा सकता है। तो गर्भवती छोड़ के बाकी सबको कर सकते हैं आप। एक तो ये हो गया। दूसरा आपको ये भी ध्यान आपको रखना है कि 1 साल्ट से दोबारा आपको डिबॉर्मिंग नहीं करना है। यानी मैंने मेमने के लिए तो बोला कि अभी डिबॉर्मिंग कर दूंगा, 15 दिन का उम्र हो गया है, फिर 1 महीना बाद मैं एक बार और डिबॉर्मिंग कर दूंगा, उसके बाद 3-3 महीने पे जाएगा। तो लेकिन बकरियों को आप करते हैं तो एक बार करने के बाद सीधे 3 महीने पे करना है। तो कभी भी जो आप इस बार इस्तेमाल, जिसे मैंने अल्बोमार किया है, तो अगला बार हम अल्बोमार नहीं करेंगे, इसके जगह पर हम फिर दूसरा दवा ले लेंगे, जैसे कीराजन फोर्ट हो गया, फेंटास प्लस हो गया, नीलजन हो गया, बहुत सारे डिबॉर्मर है, उसका इस्तेमाल हम कर लेंगे। यानी एक ही दवा को 2 बार इस्तेमाल नहीं करना है। और तीसरा राउंड में हम चाहें तो फिर से वापस हम अल्बोमार ला सकते हैं। तो बस ये समझ लीजिए कि एक ही दवा को अगर दोबारा आपने रिपीट किया तो जो कीड़े हैं वो रेजिस्टेंस बना लेते हैं और वो मरेंगे नहीं, वो अपना क्षमता बना लेते हैं दवाओं के प्रति और वो मरेंगे नहीं। इसलिए एक ही दवा को दोबारा रिपीट इस्तेमाल ना करें। तो देखिए मैंने जो मेमने को मैं दवा पिलाऊंगा उसके लिए मैंने ये रखा है, देखिए एक ये सिरिंज लिया है, ये सिरिंज 3 ml का है दोस्त, 3 ml का सिरिंज है, और उसको मैंने आगे से काट दिया है। देखिए ये काटा हुआ है, आगे से मैंने काट दिया है। आगे से काटने के से फ़ायदा ये हुआ कि एक तो हम उसको मुंह में देंगे तो जीभ में नहीं गड़ेगा, जीभ में गड़ेगा नहीं, और दूसरा है कि प्रेशर से दबा नहीं जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट उसको पेट में, डायरेक्ट उसके श्वसन नली में नहीं जाना चाहिए। और चूंकि जानवर है तो देते समय वो थोड़ा सा हरकत करेगा ही, तो जीभ में कहीं चुभ न जाए या मुंह के किसी भी हिस्से में उसका नोक चुभ न जाए, इसलिए सिरिंज को लेकर आगे से उसका जो नोखी होता है उसको काट दिया जाता है, ये सुरक्षा के लिए। तो 1 ml 3 kg पर दिया जाता है। तो चूंकि 15 दिन का बच्चा है, तो और क्षेत्रीय मेरे ब्लैक बंगाल के बच्चे हैं और बरबरी के बच्चे हैं, तो कोई भी बच्चा अभी 3 kg से तो ऊपर नहीं है। इक्का दुक्का बच्चा 3 kg है, बाकी बच्चे अभी 2 kg 1.5 kg इस टाइप के हैं, ऐसे ही हैं अब। तो उसके अनुसार मैं दवा दूंगा, जो 1.5 kg है, 1.5 kg से ऊपर ही हैं, 1.5 kg 2 kg और 3 kg तक भी है। तो 3 kg वाला का 1 ml और 2 kg वाला का 1 ml से कम, यानी 3 kg पर 1 ml देंगे। तो सभी बच्चों को इस तरीका से दवा देना है। और इससे बड़े बच्चे कुछ हो चुके हैं, उनको मैं पहले दे चुका हूँ, तो सभी कॉपी में लिखा हुआ होता है कि किस तारीख को कौन बच्चा जन्म लिया, तो इसके अनुसार डेट को देख लिया जाता है। तो जो 15 दिन जिन मेमने को हो गया है उनको मैं दवा दे रहा हूँ। और दवा देते समय फिर से मैं रिपीट कर दूँ कि वीडियो में जिस तरीका से आप देख रहे हैं कि साइड से मैं दवा दे रहा हूँ, सीधे दवा नहीं दे रहा हूँ, तो इसी तरीका से आपको देना है, क्योंकि दवा आप दे रहे हैं उसका जीवन बचाने के लिए। और ये कहीं ना हो जाए कि गलती से आप सीधे दे दें और मेमना सरक जाए, तो बाद में ड्रेंचिंग निमोनिया का खतरा आपको हो जाएगा, तो आप बचा नहीं पाएंगे। तो जो भी मैं छोटा छोटा सा जानकारी जो भी आप लोग के बीच में लाता हूँ, एक एक बिंदु पर जो मैं फोकस करता हूँ, वो बस आपके भलाई के लिए है। बकरी फार्म का बहुत सारे आप वीडियो देखते होंगे, आता भी है चैनल पे, और आपको देखना भी चाहिए, सभी के चैनल देखिए, ज्ञान जितना मिल सके उतना ले लेना चाहिए। लेकिन मैं भी एक कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी जानकारी जो भी मैं YouTube पर दिखा सकता हूँ आप लोग को बीच में लाता रहूँ। तो ये हो गया। दूसरा एक बात मैं और कहना चाहूँगा दोस्त,
दूसरा और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, चूँकि अब बरसात का मौसम शुरू हो गया है, तो बरसात का मौसम शुरू हो गया है तो बारिश लगातार होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अभी बादल लगा हुआ है, बादल लगा हुआ है बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले अंधेरा था और अभी कुछ अचानक धूप सा निकला, अचानक धूप सा निकला, इससे पहले तो अंधेरा था, लग रहा था कि बारिश हो जाएगा, तो इस टाइप से लुका छुपी मौसम का चलता रहेगा पूरे बरसात। तो बरसात बीमारियों का खजाना है, बहुत ज़्यादा बीमारी का चांसेस होता है क्योंकि ज़मीन सूख नहीं पाता। देखिए इधर बारिश हो रहा है, दो दिन चार दिन पर बारिश हो जा रहा है, तो चूँकि ईंट मैंने बिछा दिया है तो ईंट गीला कुछ तो है लेकिन ये कीचड़ नहीं है, इसलिए बकरियों को बैठने में, देखिए आप देख पा रहे हैं कि बकरियां वहाँ बैठी हुई है, इनको कोई ऐसा परेशानी नहीं है, आराम से बैठी हुई है। थोड़ा देर बाद इनको खाना दिया जाएगा, जो पहले का बचा हुआ खाना है जो वो खा रहे हैं, छोटे मेमने को दे दिया गया है और उनको थोड़ा देर बाद दिया जाएगा। तो इस तरीके से पूरे बाड़े में मैंने धीरे धीरे करके ईंट को, मैंने जो सस्ता वाला ईंट है उसको मैंने बिछा दिया है। तो मेरा कहने का मतलब होता है कि बाड़े में आपका कीचड़ नहीं होना चाहिए, बलुई मिट्टी है तो बहुत अच्छा है, और जितना हो सके तो सफाई करें। आप इसमें भी कमी निकालेंगे कि सफाई कहाँ, मैगनी तो है, तो दोस्त जानवर है और ख़ास करके बकरी है कि आप अभी तुरंत भी सफाई कर रहे हैं तो पीछे से उसका मैगनी निकलता ही रहेगा, यानी आप साफ आगे करते जा रहे हैं पीछे से वो मैगनी करते जा रही है, तो उसका वो काम है, उसका काम है गंदगी फैलाना और आपका काम है सफाई करना। क्योंकि जब यदि आपने एक काम करने का बेड़ा उठाया है तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपने काम के प्रति सजग रहें और जान लगा दें, क्योंकि किसी भी कंपनी में यदि आप काम करते हैं तो वहाँ एक डर होता है कि अगर मैं प्रोडक्शन नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैंने भी किया है दोस्त इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ कि मैं अगर प्रोडक्शन नहीं बना पाऊंगा तो शिफ्ट इंचार्ज से मेरा खिंचाई होगा या फिर सुपरवाइज़र मुझे बोलेंगे, तो वहाँ एक डर होता है, तो लोग उस पर फोकस करते हैं अपने काम पर। आप भी किसी कंपनी में होंगे तो आप देखते होंगे कि जब आप काम करते हैं तो एक डर बना हुआ रहता है कि शिफ्ट इंचार्ज या फिर सुपरवाइज़र आपको कुछ बोलेगा, या फिर इतना प्रोडक्शन बांध दिया जाता है कि इतना प्रोडक्शन तो बनाना ही बनाना है, तो वहाँ एक डर है तो आप करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, प्रोडक्शन को पूरा करते हैं। लेकिन यदि आप अपना काम करते हैं, फार्मिंग में आते हैं, फार्मिंग में यदि आप आते हैं तो फिर आपको क्या हो जाता है, आपको दिमाग में रहता है कि यहाँ कौन बोलने वाला है, तो मेरा अपना काम है, यहीं पर आपसे बहुत बड़ा गलती हो जाता है। ठीक है, ये आपका अपना काम है, लेकिन आपको ये दिमाग में रहना चाहिए कि मैं अपना काम में तो फेल होऊंगा नहीं, इसलिए अपना काम में भी आप कहीं से आलस नहीं रखें। बकरियों को समय पर चारा भोजन का इंतजाम और सबसे बड़ी बात सफाई का इंतजाम होना चाहिए। एक एक पहलू आपको जानकारी पहलू के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए और बिल्कुल बरसात के मौसम में, हालांकि सफाई सभी दिन चाहिए लेकिन बरसात में बिल्कुल सफाई पर आप फोकस कर दें कि एक भी मैगनी कहीं कचरा बाड़े में ना हो जमा, बकरी डेली मैगनी कर रही है और डेली सफाई हो जाए तो इससे आपका सड़ांध उत्पन्न नहीं होगा, बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं होगा, बकरी के बाड़े में बीमारी कम आने का चांसेस है। दूसरा बात है कि यदि आप मैगनी को उतना नहीं फेंक पा रहे हैं, जिसे मैगनी बकरियां ज़्यादा कर पा रही है, ठीक है, इसे वैसे तो अपने खेतों में डाल देना चाहिए, गड्ढा बना के उसमें डाल देना चाहिए ताकि खाद बने, लेकिन अगर आप ऐसा एरिया में रहते हैं जहां आप मैगनी नहीं फेंक पाते हैं तो आप कोशिश करें कि अगर साइड में उसको रख के आप जला भी सकते हैं, साइड में रख के उसको जला दें मैगनी को, उससे कोई इशू नहीं है, वो जल जाएगा, लेकिन बिल्कुल खुले रूप में ऐसे मैगनी को आपको एक तो बाड़े में छोड़ना नहीं है, हो सकता है तो जला दीजिए, और नहीं तो पहले सबसे अच्छी बात तो यह है कि अपने खेतों में डाल दें, इससे आपका एक जैविक उर्वरक का काम करेगा, आपके फसल अच्छे हो जाएंगे। तो सारे पहलू पर आपको फोकस करना है, सुरक्षित बकरी पालन करना है, जहाँ गंदगी नहीं वहाँ बीमारी नहीं, बकरियों का काम है गंदगी फैलाना, अपना काम है ईमानदारी से गंदगी को साफ करना। तो सफाई रखें, सुरक्षित रहें, बरसात में बच के रहें, समय समय पर बकरियों को तो डिवॉर्मिंग करें ही करें लेकिन मेमने का डिवॉर्मिंग समय पर ज़रूर करें, नहीं तो मेमने आपके एनेमिक हो जाएंगे, वो बढ़ नहीं पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, धन्यवाद।